लिपेरी पटरी। सो लिपेरी पटरी का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो लिपेरी पटरी है ये पब्लिश हुई थी 1880 में, ठीक है। और किसने, कॉन्स्टेंटाइन लिपे ने इसको पब्लिश की थी 1880 में, एन अर्नेस्ट डिसिप्लिन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। द वर्क इज़ बेस्ड ऑन द रिपर्टरी टू मैनुअल पब्लिश्ड इन एलन टाउन इन 1838 बाय डॉक्टर सी हेरिंग, द फर्स्ट रिपर्टरी पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो लिपे रिपर्टरी 1880 में सी लिपे ने इसको पब्लिश किया, और वर्क जो है वो किस पर बेस्ड है, रिपर्टरी टू मैनुअल पब्लिश इन एलन टाउन इन 1838 बाय डॉक्टर सी हेरिंग। डॉक्टर सी हेरिंग का जो एलन टाउन में जो वर्क था, एलन टाउन में जो 1838 में डॉक्टर सी हेरिंग ने जो रिपर्टरी टू मैनुअल पब्लिश किया था उस पर बेस्ड है। रिपर्टरी पब्लिश जो हुई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। तो सी लिपे की रिपर्टरी की बात कर रहे हैं 1880 में आई थी, जो कि सी हेरिंग की रिपर्टरी टू द मैनुअल पर बेस्ड है। सो इसकी बात करें तो रिपर्टरी टू द मैनुअल बाय द सी हेरिंग, बोनिंगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक, एडोल्फ लिपे डायरिया, बेल्स डायरिया, एम एन गरेंसी वर्क और चार वर्क। तो ये इसके 6 सोर्स है। सबसे पहला तो आपका कौन सा, सी हेरिंग वाला हो गया, रिपर्टरी टू द मैनुअल। फिर दूसरा बोनिंगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक, एडोल्फ लिपे का डायरिया, बेल्स डायरिया, एम एन गरेंसी वर्क और चार वर्क। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो रिपर्टरी है इसमें द रिपर्टरी फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर अस परस्यूज इन मटेरिया मेडिका प्यूरा, माइंड एंड डिस्पोजिशन सबसे पहला चैप्टर है। फिर उसके बाद सेंसोरियम, जिसमें कि क्लाउडीनेस, जिटीनेस और वटाइगो। सेंसोरियम मैचा का वटाइगो, क्लाउडीनेस और जिटीनेस। थर्ड चैप्टर है हेड, फोर्थ वाला स्काल्प, फिर आइज एंड साइट, ईयर एंड ईयरिंग, नोज एंड स्मेल। ये इसमें साथ साथ दिया है, जैसे आइज के साथ साथ में साइट दे दी, ईयर के साथ ईयरिंग, नोज में स्मेल, स्कैंड में अलग दिया हुआ है, फेस में लिप्स और लोअर जॉ, फिर टीथ एंड गम्स, माउथ पैलेट टंग एक साथ, फाउसेस फेरिंग्स और इसोफेगस, एपेटाइट एंड टेस्ट, एपेटाइट टेस्ट, हंगर थ्रस्ट। एपेटाइट अलग चैप्टर है, टेस्ट हंगर थ्रस्ट के साथ। कंप्लेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स, इरेक्टेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स, हार्ट बर्न और वाटर प्रेस, स्टोमक, हाइपोकॉन्ड्रिया, किडनी, डायफ्राम, लीवर, स्प्लीन सब एक साथ दिए गए हैं, एब्डोमन, ग्रोइन, फ्लेचुलेंसी, स्टूल एंड एनस, यूरिन एंड यूरिनरी ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, कोराइचा, लरिंग्स एंड ट्रेकिया, कफ, रेस्पिरेशन, चेस्ट एंड हार्ट, मेमेन, निपल्स, नेब, बेक, सेक्रल रीजन, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लिप एंड ड्रीम्स, स्वीपर, स्किन, जनरलिटी, सेग्रेशन एंड एमोलेशन। स्पेशियल फीचर्स ऑफ द लिपे रिपर्टरी, द रिपर्टरी इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ द केंट रिपर्टरी। केंट रिपर्टरी का प्रिकर्सर कहा जाता है लिपे रिपर्टरी को। इनफैक्ट केंट प्रिफर टू रिफर दिस रिपर्टरी देन टू बोनिंगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। लेटर डॉक्टर केंट ऑथर्ड हिज ओन रिपर्टरी बेस्ड ऑन द रिपर्टरी। मतलब लिपे रिपर्टरी यूज़ करते थे केंट, बोनिंगसन से ज़्यादा वो लिपे रिपर्टरी को यूज़ करते थे, ठीक है। बोनिंगसन थेरापेटिक पॉकेट से ज़्यादा वो लिपे को रिफर करना यूज़ पसंद करते थे। इट डील्स विथ, यहाँ पे आपको लिपे रिपर्टरी की बात चल रही है, तो लिपे में अपन ने केंट का देखा कि केंट का प्रिकर्सर है केंट रिपर्टरी का, और फिर बाद में केंट ने खुद की लिखी दी, अपनी खुद की रिपर्टरी बनाई। इसमें 602 मेडिसिन है, और इसमें क्या होगा कि लॉजिक ऑफ जनरल्स टू पर्टिकुलर, यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर वाला लॉजिक अपनाया गया है, और माइंड एंड जनरलिटीज चैप्टर जो है इसमें मेन आपको याद रखना है कि जनरल्स टू पर्टिकुलर वाली है लिपे रिपर्टरी। माइंड एंड जनरलिटीज चैप्टर जो है वो आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, माइंड एंड जनरलिटीज, और ग्रेडेशंस इटैलिक्स एंड रोमन, दो ग्रेड है इसमें, इटैलिक और रोमन। और दिस कैन बी यूज फॉर द सिस्टमेटिक रिपर्टराइजेशन ऑफ द केस एज वेल एज द रेफरेंस वर्क। इसको रेफरेंस वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिस्टमेटिक रिपर्टराइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं इसकी बुक दिखाता हूँ लिपे रिपर्टरी। तो ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन लिपे, रिपर्टरी टू द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द मटेरिया मेडिका, है ना, कॉन्स्टेंटाइन लिपे।
फुल नेम क्या है, रिपर्टरी थ्रू द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द मटेरिया मेडिका, सी लिपेस के ऑथर है और बुक रिव्यू बाय डॉक्टर जुबिन, फर्स्ट एडिशन कब आया था 1880 में, इसके अलावा यहाँ पे रीप्रिंट एडिशन 1996, ठीक है, और 602 मेडिसिन है इसमें, डेडिकेटेड टू डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, हेरिंग को डेडिकेटेड है। दिस रिपर्टरी वाज पब्लिश इन 1880, ठीक है, इसको 1880 में पब्लिश किया गया और सी हेरिंग के डिसिप्लिन में, और द वर्क इज़ बेस्ड ऑन द रिपर्टरी ऑफ द मैनुअल पब्लिश इन एलन टाउन इन 1838 बाय द सी हेरिंग, ये चूँकि हम पढ़ चुके हैं सारा। और लिपे से देट इज अटेम्प्ट टू प्रेजेंट ओनली द सिम्टम विच इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट है प्रूव टू द टू बी करेक्ट, मतलब कि जो प्रूव है एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट उनको ही इनने बताया है। फर्स्ट एडिशन 1879 बाय बोरिक एंड टेफेल, फिर फर्स्ट इंडियन एडिशन 1933 में भट्टाचार्य एंड कंपनी ने दिया था, और फिफ्थ एडिशन 1972 में बीज पब्लिशर। दिस बुक हैज़ अ थ्री पार्ट, प्रीफेस, रिपर्टरी और लिस्ट ऑफ रेमेडीज। प्रीफेस पार्ट है, लिस्ट ऑफ रेमेडीज है, ठीक है। इसके सोर्स की बात कर रही थी हमने कि सी हेरिंग का जो रिपर्टरी टू द मैनुअल है वो, तो रिपर्टरी टू द मैनुअल बाय द सी हेरिंग, बोनिंगोसन थेरापेटिक पॉकेट बुक, एडोल्फ लिप्पे मटेरिया मेडिका और बेल्स डायरिया, है ना, एच एन करेंट से वर्क यानी डायरिया वाला, और जहाँ वर्क मैनी ऑफ द बुक रिफर्ड आर आउट ऑफ पॉइंट द स्टूडेंट, दिस वर्क इज ऑफ वैल्यू अस इट गिव्स अ ग्लांस टू कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडीज टू द सिम्टम्स शॉर्ट फॉर द फर्दर कंपेरिजन विद द मटेरिया मेडिका। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अपन देख ही चुके कि माइंड एंड डिस्पोजिशन, सेंसोरियम में क्लाउडीनेस, जिडीनेस एंड वर्टिगो, फिर हेड, स्कैल्प, आईज एंड साइट, ईयर एंड हियरिंग, नोज एंड स्मेल, फेस में लिप्स, लोअर जॉ, टीथ एंड गम्स, माउथ, पैलेट, टंग, फाउसेस, फेरिंग्स, इसोफेगस, एपेटाइट, इंटेस्ट, हंगर, थ्रस्ट, कंप्लेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स, इरेक्टेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स, हार्टबर्न एंड वाटर ब्रस, स्टोमक, हाइपोकॉन्ड्रियक्स, किडनी, डायफ्राम, लीवर, स्प्लीन, एब्डोमन, ग्रोइन, फ्लेचुलेंसी, स्टूल एंड एनस, यूरिन, यूरिनरी ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, पोराइजा, लेरिंग सेंटर किया, कफ, रेस्पिरेशन, चेस्ट एंड हार्ट, मेमे, निप्पल्स, नेप, नेक, सेक्रल रीजन, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, स्लीप एंड ड्रीम्स, फीवर, स्किन, जनरलिटी, सेक्रेशन, एमोलेशन। स्पेशल फीचर ऑफ द लिपे रिपर्टरी, दिस रिपर्टरी इज कंसिडर टू बी द प्रिकर्सर ऑफ द केंट रिपर्टरी, इन द फैक्ट केंट प्रेफर्ड टू द रिफर दिस बुक टू बॉर्निंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक, लेटर डॉक्टर केंट ऑथर्ड इज ऑन रिपर्टरी बेस्ड ऑन दिस रिपर्टरी, इट डील्स विद द सिक एंड टू मेडिसिन, इट फॉलोज द लॉजिक ऑफ जनरल्स टू पर्टिकुलर, द माइंड एंड जनरलिटीज चैप्टर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द रिपर्टरी, द ग्रेडेशन, इटैलिक्स एंड रोमर आर फॉलोड इन द रिपर्टरी, दिस कैन बी यूज फॉर द सिस्टमेटिक रिपर्टराइजेशन एज वेल एज द रेफरेंस वर्क। डीमेरिट्स ऑफ द लिपे रिपर्टरी, दो डॉक्टर लिपे हैज़ डिसाइडेड टू राइट रिपर्टरी ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, बट ही कुड नॉट प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग द हेड सेक्शन इन बोर्निंग हुसैन स्टाइल, मतलब कि इनने डिडक्टिव लॉजिक पे काम किया, उसके बावजूद भी इनने बोर्निंग हुसैन का जो हेड है, बोर्निंग हुसैन के जैसे ही हेड चैप्टर में वहाँ पे उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हेड वाला चैप्टर, बट ही वॉज एबल टू मटेरियलाइज हिज डिडक्टिव लॉजिक इन अदर सेक्शन। ही वॉज ऑल्सो इन कन्फ्यूजन वेदर टू अरेंज द सिम्टम इन स्ट्रेट सेंटेंस और कन्वर्ट इन टू रिपर्टोरियल लैंग्वेज, मतलब स्ट्रेट सेंटेंस में लिखना है कि रिपर्टोरियल लैंग्वेज में लिखना है, इसमें वो कन्फ्यूज थे। डॉक्टर लिपे मेंशन दैट एवरी सेक्शन इज टू बी कंपेयर विद द जनरलिटीज, इन दिस टाइम मोडालिटीज आर अरेंज अल्फाबेटिकली, वेयर इज इन केंट ही हैज़ गिवन इन बिगनिंग। तो यहाँ पे जो डॉक्टर लिपे है ना, इनने मैंसन किया है एवरी सेक्शन इज टू बी कंपेयर विद द जनरलिटीज, अल्फ़ाबेटिकली मोडालिटीज़ को अरेंज किया गया है। पेन जो है वो सेपरेटेड रूब्रिक मिलेंगे यहाँ पे, बट केंट में रूब्रिक पेन में मिल जाएंगे। रूब्रिक रिलेटेड टू टेम्परामेंट आर गिवन अल्फ़ाबेटिकली, वेयर इज इन बोगर दे आर गिवन इन द रूब्रिक टेम्परामेंट। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अपन को टेम्परामेंट के रूब्रिक मिलेंगे, बोगर में टेम्परामेंट चैप्टर मिलेगा। सम मेंटल सिम्टम्स जनरलिटीज लाइक कंपनी, कार्फोलोजिया, कॉन्ट्राडिक्शन, स्टूल बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, यूरिनेशन बिफोर ड्यूरिंग,
दिस सिम्टम्स मेंसेस बिफोर ड्यूरिंग, ये सब रूब्रिक है इसके। जनरेटिव सेक्शन इज ओरिजिनली मेड ऑफ मोडालिटी सिमिलर टू दैट एग्रावेशन एमोलेशन सेक्शन ऑफ द बोनिंगोसेन, मतलब बोनिंगोसेन जैसे ही जनरेटिव सेक्शन है पूरा। द ऑर्डर इज नॉट फिक्स, देयर आर चेंजेस इन द इस सेक्शन, ऑर्डर फिक्स नहीं किए हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स देख लो इसका। लिप रेपर्टरी के कुछ खास रूब्रिक की बात करें तो इसमें एब्यूशिव हाइड्रोप्स, इसमें हायोसाइमस है, एक्यूटनेस लव बींग बिजी, एक्यूटनेस में लव बींग बिजी मीन्स मतलब होगा उसका विथ। फिर इसके बाद फिजिकल डेबिलिटी के साथ है तो मोस्कस, एक्यूटनेस में बेराइटा का लेकेसिस मोस्कस सीपीएस स्टेनम ओरेट्रम, अलोन वेन स्टेट ऑफ पॉइंट वॉर्स इसमें लेप्स फॉस्फोरस एस्टामोनियम, एंसर विल नॉट में अम्ब्रोशिया अर्निका ये सारी है, एपेथी मेंटल है तो उसमें हायोसाइमस फॉस्फोरिक एसिड एस्टामोनियम, चेयर्स अजी प्रिपेयरिंग में क्यूपरम है, अजम्सम ऑफ इम्पोर्टेंस में क्यूपरम फेरम हायोसाइमस, चेन फील्स टू लॉन्ग में ग्लोनाइन, और कोलेरिक में उसका मतलब यहाँ पे बताया है कि वायलेंट एक्साइटेशन एंड एजिटेशन ऑफ माइंड इन एंगर लव और इन फल्मिनेंट ऑफ डिज़ायर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, मतलब वायलेंट एक्साइटेशन एजिटेशन मिलेगा माइंड में एंगर वाले स्टेज में, लव और इन फुलफिलमेंट ऑफ द लव डिज़ायर उसको कोलेरिक कहेंगे। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, कोल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन, कंसील हिमसेल्फ, कंडेंसेशन, कोर्स ऑफ थिंकिंग स्लो, हेटर्ड ऑफ ऑफेंडर्स, ओपन हार्टेडनेस में बोविस्टा है, ओपन हार्टेडनेस में बोविस्टा, और पॉजिटिव में कॉस्टिक अम्ल कैसेस, पसलिनेमेट्री, टेमेरिटी, सेंसोरम क्लाउडीनेस, जिटीनेस, वटाइगो, इसमें डिजीनेस कन्फ्यूजन से रिलेटेड रूब्रिक है जैसे स्टूपर वटाइगो ये सारे। हेड में जैसे कि रूब्रिक्स में बेंड द हेड बैकवर्ड नेसेसिटी टू में काली नाइट्रिकम, बबलिंग इन द हेड लाइक वाटर में बहुत सारे मेडिसिन है इसमें तो, और डेली हेडेक के लिए मेडिसिन है, डे ओरी अदर हेडेक में अम्ब्रोशिया, इसके अलावा आई साइट में ब्लियर, लैक्रिमल फिशुला, ईयर्स में अपन को ब्लडी कंजेशन, हियरिंग डिफ़िकल्टी, ट्यूमर्स, अल्सर, नोज में आपको क्या मिल जाएगा, ब्लैक पोर्स ऑन द नोज, ब्लैकिस नोज, कैरीज, बोन सेंसेशन, कैरीज के लिए ओरम है वो नोज में, टॉर्पर सेंसेशन, वॉर्म सेंसेशन, रिंकल स्किन नोज में कैमोमेला, फेस में सारे बहुत सारे इसमें रूब्रिक्स ही हुए। कोराइजा कफ के लिए भी अलग अलग है।